आजकल ट्रेंड चला हुआ है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचो। हम बहुत दिन तक सोचते रहे कि यकी वाकई बड़ा मतलब अच्छी बात है तो। अरे बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, स्कूलों में आजकल एक पाठ्यक्रम चला पॉजिटिव थिंकिंग, सही सोचो, नेगेटिव मत सोचो। तो मैं एक दिन सोचने लगा कि इतना ही सब पॉजिटिव पॉजिटिव कर रहे हैं तो इस दुनिया की हालत ऐसी क्यों हो रही है, ये पॉजिटिव थिंकिंग क्यों नहीं लोगों को आगे बढ़ा रही। तब मेरे को पता चला कि ये तो साबुन का बुलबुला देखे कि नहीं देखे, कितने लोग देखे साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला फुलाए भी हो, साबुन का फूल बुलबुला फूलता है फूलता है फूलता है, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव तो बूम। आप ध्यान से सुनिए, योर पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट जीसस इज लाइक द बबल सोप बबल। आप कितना भी उसको फुला लीजिए, एक घटना आपके घर में हो गई, बूम, कितना सुंदर, एक टचिंग हुई और पूरा बुलबुला समाप्त हो, एक हाथ लगा, एक प्रॉब्लम आई। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी, लोग कहते हैं ना, आप उनसे बात कीजिए, कहिए भैया तुम लोग, बहुत लोग आजकल बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, आप टीवी चैनल पर देखिए, हम लोग को अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा तो अच्छा अच्छा सोच करके अच्छा हो क्यों नहीं रहा है, अंतिम में जाके आखिर में जाके हम लोग की जिंदगी क्यों तबाह है, क्यों हमारे परिवार पिछड़ रहे हैं, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्यों सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कि ये सोप का बुलबुला है। और सोप का बुलबुला, अरे आप कभी देखिएगा उस पर टीवी, उस पर इंटरनेट पे जाके, इतने बड़े बड़े सोप के बुलबुले बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बनते हैं मगर आखिरी में जाके फुट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको लपेट करके और सूटकेस में रखा जा सकता, नो, योर थिंकिंग इज सो फ्रेजिल, वो इतनी कमजोर है आपकी सोच कि आप उसको संभाल करके नहीं लग सकते, एंड दैट्स व्हाई यू नीड जीसस, और इसीलिए आपको यीशु मसीह की जरूरत है। 12 साल उसने अपने आप को सस्टेन किया, 12 साल मामूली समझते हैं डॉक्टर के पीछे पीछे जाना, 12 साल, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, दस नहीं, ग्यारह नहीं, 12 साल उसके पास इतने पैसे थे, इतनी हिकमत थी, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग थी उसके पास, 12 साल उसने अपने आप को सस्टेन किया, 12 साल उसने सोप का बुलबुला बनाया कि आज नहीं कल चंगे हो जाएंगे और परसों चंगे हो जाएंगे और कुछ ना कुछ हमारा हो जाएगा, मगर 12 साल के बाद उसको समझ में आया जब एक दिन उसका सब खत्म हो गया और एक छोटी सी सुई लग गई, जब अभाव की सुई लग गई, जब रुपए पैसे खत्म हो गए, जब बैंक का आपका खाता भी बंद हो गया, जब बैंक ने कहा भैया एक पैसे आपके खाते में नहीं है, कोई उधार देने को तैयार नहीं, आपका बुलबुला। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए मगर मसीह को ध्यान में रख करके, आप मेरे साथ हालेलुया बोल दीजिएगा। 12 साल के बाद उसने सही पॉजिटिव थिंकिंग की और कहा मैं उसके दामन को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वेरी गुड, आज तुमने सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा, और जो बेस्ट चीज तुमने किया, तुमने किसी, आज तक तो डॉक्टरों के दामन को छू रही थी, आज तक तो उनके यहां लाइन लगा रही थी, फायदा कुछ नहीं, आज तुमने यीशु मसीह के दामन को छूने की बात की है। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, यू नीड टू हैव जीसस इन योर लाइफ, अपने करियर में यीशु मसीह को ध्यान में रखिए, आप कितना भी सस्टेन कर लीजिए, कितना भी संभाल लीजिए, एक दिन आएगा मित्रों जब आपका बुलबुला फूट ही जाएगा, मगर अगर आपने यीशु मसीह के दामन को छुआ है ना, तो उसके बाद आपको बुलबुले बनाने की जरूरत नहीं है, आप चंगे होकर के उसकी स्तुति बढ़ाई और हालेलुया का सब। सवाल इस बात का है कि आर यू कीपिंग जीसस इन योर लाइफ और नॉट। आप दुनिया के मंसूबे बना लीजिए, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, ये नौकरी करेंगे, बहुत अच्छी बात है, करिए, लेकिन खुदावंत को सेंटर में रख करके। प्रभु एक घर दीजिएगा तो एक कोठरी बनाएंगे जहां पर गुप्त में जाकर के अपने पिता से जो गुप्त में है उससे बातें करेंगे। आप मेरे साथ है, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे।